अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलावर फ्रॉम तलावर व्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस ये रहा भाई वीवो का न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन वीवो V23 पाकिस्तान में आ चुका है। और इस फोन की जो रिटेल प्राइस जो मुझे पता चली है फिलहाल के लिए, ये फोन मेरे पास लॉन्च से पहले है, लेकिन जो प्राइस का आइडिया दिया गया वो यही है कि 53,000 8GB 128GB वाला वेरियंट। यस तो आओ यार देखते हैं कि 8GB 128GB क्या हुआ। अच्छा ये मेरे जैन भाई हैं, जैन भाई बहुत ही कूल एंड वो अच्छे हैं, तो इनका चैनल है टेक एनालाइजर। यार बहुत ज़बरदस्त कंटेंट भाई, कीप इट अप। नीचे लिंक डाला हुआ, जाकर लाजमी से लाइक लाजमी से देखना, लेकिन लाजमी से सब्सक्राइब करना, लेकिन इस वीडियो के बाद चलो गजब बेइज्जती है। सो यार गाइस देखते हैं V23e को कि ये स्मार्टफोन कैसा है। इस फोन की जो रिटेल प्राइस है 53,000 है, 8GB 128GB वाले वेरिएंट की 50,000 में आराम से मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। उसके बाद में 8 256GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 60,000 की प्राइस में देखने को मिलता है। तो लगभग कहना यही है कि 50,000 में ये फोन लॉन्च किया गया है, वैसे रिटेल प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो आओ देखते हैं कि 50,000 में क्या ये फोन वर्थ इट है, बिकॉज दूसरी साइड पर आपको वीवो V21e देखने को मिलता है 40,000 में। तो क्या अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हैं किसी स्मार्टफोन के ऊपर तो उसमें आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, या यहाँ पर वीवो ने इस बार जो है वो क्या इंप्रूव किया। मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ क्लियर करके बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। गाइस वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना, आई होप कि वीडियो अच्छी लगे, लाइक करके जाना, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियोज के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेकर। अगर डिज़ाइन की बात की जाए, ये जो मेरे पास कलर है ये ब्लैक कलर है, इसमें एक और रैम्बो कलर कह लें या फिर वो जो है मल्टी कलर में आता है, उसमें कलर्स वगैरह चेंज वगैरह होते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। लेकिन ये भी शाइनी लुक के साथ आ रहा है, प्लास्टिक बैक है लेकिन ग्लोसरी सी फिनिश है। इस पर आपके जो है वो फिंगर्स मजीज बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर V21e को देखा जाए वहाँ पर मैट फिनिश के साथ आ रहा है और इसमें एजी ग्लास यूज़ किया गया, इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं होने वाला। यस बाय द वे अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो इन दोनों में से आपको किस फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। मुझे तो वीवो V21e का लगा। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये इस फोन की जो है इन हैंड फील है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। इन्हीं का फोन जो है वो वीवो का Y20 है ना, ये कुछ उस तरीके से निकल कर आता है। और ये जो स्मार्टफोन है फ्लैट फ्रेम्स के साथ आ रहा है, बैक भी प्लास्टिक है, फ्रेम भी तो तकरीबन है वो प्लास्टिक के ही हैं। तो इन हैंड फील वगैरह तकरीबन हल्का फुल्का है, लाइट वेट है, बिकॉज इस स्मार्टफोन में बैटरी कम है। बाकी अगर मैं अपना आपको ओपिनियन दूँ तो यार डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये इनकी Y20 सीरीज़ वाला ओल्ड डिज़ाइन है। लेकिन हाँ ठीक, अच्छी लुक है। और बॉटम पे आपको एक सिंगल स्पीकर मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है जिसमें या तो आप एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और एक सिम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कैमरा मॉड्यूल की बात की जाए तो उसको चेंज किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया अगर आप V21e को देखते हैं। लेकिन कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम आ रहे हैं। बैक पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 का अल्ट्रा वाइड एंड जो है वो 2 का मैक्रो है। लेकिन अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए वो थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेस वगैरह को लेकर। देखो डिस्प्लेस में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे, आप बताओ यार। मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, साइज़ भी सेम है। तो मेरा कहना ये है, यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि इन स्मार्टफोन्स में जो है वो पुराना वाला पैनल ही यूज़ किया गया। और 50,000 में फिर से जो है वो 2022 में वीवो आपको जो है वो नोच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। यस, जो कि चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये वही पैनल है जो कि ये S1 Pro में यूज़ कर चुके हैं, V20 में, अब V21e में भी, और अब जो है वो 2022 में स्मार्टफोन में भी। लाइक जो स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन होती है उन पर पैसा थोड़ा सा कम इन्वेस्ट होता है, तो फिर इनको प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसी वजह से आपको ऑफलाइन में डिस्काउंट वगैरह भी इस फोन में काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले एक नॉर्मल डिस्प्ले 6.44 इंचेस का, एक एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, 60Hz के नॉर्मल पैनल के साथ आ रहा है। बट हाँ, इस बार इस स्मार्टफोन में आपको जो है वो फ्रंट पे जो सेल्फी है वो 50 MP की देखने को मिलती है, बिकॉज V21e में आपको 44 MP की सेल्फी मिलती है। इतना कोई नेक्स्ट लेवल डिफरेंस नहीं है, हालांकि V21e का जो रिजल्ट है फ्रंट से वो ज्यादा बेहतर। तो डिस्प्ले में कुछ भी इंप्रूव नहीं किया गया, बाकी डिस्प्ले अच्छा है, एक नॉर्मल डिस्प्ले, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी सारी चीजें बेहतरीन है। लेकिन इस टाइम पर अगर देखा जब 50,000 में आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलना लाजमी था, जो कि स्मार्टफोन में नहीं है गाइस। यस, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो 120Hz हर स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा। तो वीवो वालों तो अपने थोड़े से सस्ते नशे जो है वो कम करें यार, प्लीज। उसके बाद में गाइस अगर अब कैमराज की बात की जाए तो कैमरा नंबर्स मैंने आपको बता दिए, इसके बैक कैमरा नंबर सेम है, फ्रंट पे आपको इसमें 50 MP की सेल्फी मिलती है। सो यहां पर मैं आपके साथ कैमरा सैंपल्स वगैरह सारी चीजें शेयर करता हूं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात की जाए, इस फोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का G96, दूसरी साइड पे इस फोन में आपको देखने को मिलता है
स्नैपड्रैगन का 720G। और दोनों में अगर बोला जाए कि कौन सा बेहतर है आपको मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स G96 नहीं, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 720G की ऑप्टिमाइजेशन या फिर परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। और इसी वजह से अभी भी अगर देखा जाए तो V21E के कैमरा जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू V23। बाकी G96 50,000 में मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज यही प्रोसेसर आपको टेक्नो इन्फिनिक्स वाले जो है वो 30,000 की प्राइस में दे रहे हैं। तो क्या आप इसको 50,000 में लेंगे? मैं तो बोलूंगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं। बाकी इस फोन में आपको 8GB रैम 128GB मेमोरी वगैरह देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम का लॉलीपॉप जो है वो हर बार जैसे वीवो ओप्पो करते हैं वो तकरीबन दिया गया है, लेकिन मेमोरी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, मल्टीटास्किंग सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन G96 में आपको जो है वो 2K रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ये टेक्नो की कैमन 18 सीरीज में भी था और इन्फिनिक्स की जो नोट 11 सीरीज है उसमें भी है, और वो जो था 0X Pro सब में है। तो G96 जो है वो 4K को सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से इसमें आपको 2K वगैरह देखने को मिलती है हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। सो यहाँ पर कुछ सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स फोटो सैंपल सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी इसका कैमरा रिव्यू भी आने वाला है, सो उसके लिए इंतजार करें, बाकी कुछ सैंपल है वो आप देख लें। सो गाइस जी, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है, और ये है भाई वीवो V21E और दूसरा है भाई वीवो V23E। सो क्वालिटी वगैरह आपके सामने है कि कौन सा फोन ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपको नजर आ ही रहा। फिलहाल मुझे तो ये जो है V21E ही बेहतर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर V23 को देखा जाए तो ये बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है आई थिंक। सो ये कुछ सीन है फ्रंट कैमराज को लेकर आपके सामने, डायनामिक रेंज, क्वालिटी, कलर कुरेक्शन, फेस टोन, स्किन टोन सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने दोनों ही स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमराज को लेकर। तो गाइस ये जो वीडियोस अभी आप देख रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के बैक कैमरे से शूट हो रही हैं 1080p के ऊपर, एंड V23 जो है वो 4K सपोर्ट नहीं करता, लेकिन V21E में 4K सपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन ये जो फुटेज आप देख रहे हैं फिलहाल के लिए मैं 1080p के ऊपर शूट कर रहा हूँ। स्किन टोन, कलर, डायनामिक रेंज सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन सा फोन बेहतर जज करता है। मुझे नहीं कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करता है मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा कर रहा, लेकिन देखते हैं। सो गाइस यार अभी आपने कैमरा सैंपल देखे, बताओ कैसे लगे, और आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि किस फोन के कैमरा ज़्यादा बेहतर है। बाकी मेरी प्रेफरेंस यही है और मैं इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फोन है। यस, सो यहाँ पर कैमराज के बारे में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करना है। बाकी अगर बात कर लीजिए बैटरी को लेकर, इस फोन में 4000 mAh की बैटरी है, 44W की फास्ट चार्जिंग है, इस फोन में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बैटरी वही है, यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी वगैरह देखने को मिल रही है। गाइस क्लियर रिव्यू ये है कि इस फोन की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना, ये 10,000 महंगा है और डाउन ग्रेडेड है, इससे बेहतर ये वाला फोन है डिजाइन में भी और बाकी सारी चीज़ों में। तो मैं यही बोलूंगा कि वीवो ने एक जो है वो बेकार फोन लॉन्च किया है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बाकी आपने लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके जाना। गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।